Cone, ve. क्या मलिक? मलिक मैं उठना बे। क्या हुआ? तुझे पता है कल क्या है? अबे कल तो ड्राई डे है। शक्ति कपूर की तीसरी औलाद, कल हमारा पेपर है। तो तूने मुझे इसलिए उठा क्योंकि कल पेपर है? अबे भाई करीना के इतने करीब था मैं, बस नहीं लेता। करीना को सेफ कर रहे थे। अबे भाई यार कल एग्जाम है यार, हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, कभी बुक खोल के नहीं देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं फेल हो गया ना, मेरे बाप मुझे चाय की दुकान पे लगा देगा। तू सुन रहा है कुछ? अबे हाँ भाई सुन रहा हूँ। तू क्या घंटा सुन रहा है कुछ? अबे भाई कुछ कर। अरे यार तू कुछ कर यार, कल एग्जाम। कुछ कर तू, कुछ कर ना यार, कुछ कर। ओह नो, एग्जाम 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 हद मचा रखी है। अबे हम स्टूडेंट है भाई, हमारी लाइफ में एग्जाम नहीं तो क्या ये दारू की। इधर देख, मेरी तरफ देख, तू टेंशन मत ले। इस बार के एग्जाम में हम सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे, सारे एग्जाम में पास होंगे। वो कैसे? वो चौथे दिन में पता चल जाएगा, समझा? वैसे कल एग्जाम किस चीज का? और एक बात बता, ये फोन किसका आया था? पापा चीतू। हेलो अंकल, थोड़ा दिमाग थोड़ी गेट क्यों बीच है क्या? लड़का कह रहा उसने सारी तैयारी कर रखी है, लड़का कह रहा उसने सारी पढ़ाई कर रखी है, क्यों अंगलबाजी करते हो भाई? हम यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं क्या? दारू चल रही है यहाँ पे? हम ब्राइट स्टूडेंट है अंकल, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते हम, समझे ना? तो इसको परेशान करना बंद करो, और आइंदा अगर फोन किया ना तो घर में घुस के बीड़ी। तेरे पापा आ रहे हैं, सफाई कर लियो थोड़ी सी। तू सफाई कर ले। मैं क्यों करूंगा? फोन किसका है? फोन तो मेरा। तो पापा किसके हुए? हेलो पापा, पापा सॉरी, पापा 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 सॉरी, बात सुनो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, आज स्कूल कैसे? एग्जाम है ना कल, चलो तैयारी करो। चलो तेरा बाप का स्कूल है क्या? क्या मेरा मतलब सर, तैयारी तो होती रहेगी, लेकिन आज जो मैंने आपके बारे में सुना ना। छी, क्या सुन लिया है साहब? अरे नहीं सर छोड़ो। ठीक है छोड़ो फिर। अब मेरा मतलब अब सीमा मैम की क्या ही बात। क्या हुआ सीमा मैम को? अरे अरे सर कुछ नहीं हुआ। बताना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं चलता हूँ, एग्जाम है ना कल, मैं चलता हूँ। राम 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 राम। पाक पाक पाक। बता रहा कि नहीं बता रहा? अब, सर आप तो दिल पे ले गए बात को, मैं बताता सर सुनो। अरे इधर 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 सर, वो ना अभी मैं स्टाफ रूम के सामने से गुजर रहा था। अच्छा, तो पता मैंने क्या देखा? क्या देखा? मनीष सर और सीमा मैम बहुत हंस के बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा। और पता क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे बताना। और सर मैंने ये सुना, डीके सर कह रहे थे ये साला हरामी मनीष तो कॉलेज का नल्ला साला मादर, ऐसा वो कह रहे थे। मेरे को बहुत दुख लगा ये सुन के सर, मेरे को देखा नहीं गया, क्या बताऊँ सर। और सर आपको वो रेस के दिन याद है? अरे स्पोर्ट्स वाले दिन जब आप भाग रहे थे, तो मनीष सर आपको क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? अरे सर याद तो करो, क्या बोल रहे थे? भाग डीके भाग, इंग्लिश में बोल रहे थे ना? इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश में बोलेगा। ए सर इंग्लिश में क्या बोल रहा था वो? रन डीके रन रन रन। अब जरा एक साथ बोल के देखो। तो भी पूरे स्टाफ के सामने सर जी। अब मैं समझा कि सब लोग मुझ पे हंस क्यों रहे थे। और तो और सर मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार डीके सर आपका स्कोर कम कर देंगे। स्कोर? हाँ स्कोर कम कर देंगे मतलब? सर आप क्या पढ़ाते? मेरा मतलब सर आप क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अगर इस बार के एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे फेल होते ना। अच्छा तो आपने घंटा पढ़ा है, मेरा मतलब आपने तो पढ़ा है,
लेकिन स्कोर बोर्ड के हिसाब से आपने घंटा पढ़ा है और इसी बात का फायदा उठाएंगे डीजे सर। और तो और सर, अगर आपका स्कोर कम हो गया तो प्रिंसिपल आपको लात मार के निकाल देगा। उसकी मानी चो फैमिली वीडियो है सर। कैसे निकले उस मुसीबत से? अरे सर, मेरे पास एक तरकीब है ना। क्या तरकीब? क्या कर रहा है? अरे सर, बहुत आसान है। आप इस बार के एग्जाम में ना अपने सब्जेक्ट में सारे बच्चों को पास कर दीजिए। तू पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे सबको पास कर दूं? जो सही आंसर लिखेगा उसे तो पास करूंगा। ठीक है सर, फिर आप घर जाके पकौड़ी तलना, मैं चलता हूँ। समोसा लगा, समोसे लगा, लगा ना समोसे। चला जा, मालिक से फालतू बोलेगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं, पकौड़े नहीं तलूंगा मैं, नहीं तलूंगा पकौड़े। सर, आपको पकौड़े तलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर सही रहा तो प्रिंसिपल क्या उसका बाप भी आपको स्कूल से निकाल पाएगा, और उल्टा प्रमोशन सीमा मैम के बैच पे आ जाओगे आप सीनियर टीचर में, और फिर सीमा मैम हो आप। सही कह रहा तू, इस बार के एग्जाम में सारे बच्चे पास और मैं सीमा मैम के साथ। Get the man with the plan right here. Think it's right with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Get the man with the plan right here. Think it's right with the man right here. Living up on sipping on. ये बच्चे आराम से बैठो सारे, चलो बैठो बैठो। हाँ बैठो पे इधर आ। Oh no! जी सर। हाँ भाई बोले, सबको बांट दे इधर। चलो भाई करो, और कोई बच्चा अपने क्वेश्चन पेपर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? और हाँ, लास्ट में दिसंबर क्वेश्चन है, उसे कोई भी नहीं छोड़ेगा। कोई दिक्कत है मेरे से पूछना। तो फिर क्या हो गया, बैठ जा आराम से। क्या कर रहा तुम दोनों? पेपर बदल रहा, दिखाना जरा क्या कर रहा। कहाँ क्वेश्चन पेपर चेंज कर रहा हूँ सर, उसका नीचे गिर गया था। क्वेश्चन पेपर मैं बस उठा के उसके हाथ में दे रहा था। क्वेश्चन पेपर अभी पता लग जाएगा। रोल नंबर लिखा ना, दिखा जरा, चेक करा जरा, दिखाई जरा। हाँ भाई, रोल नंबर क्या है तेरा? 27 सर। तेरा क्या है बे? 28।
बस तो पेंसिल से लिखा रोल नंबर। तो सर जी आपने कहाँ कहा था कि रोल नंबर पेन से ही लिखना है। मुझे फेंक दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी आंसर शीट फेंकी ना कोई बात नहीं, आंसर शीट भी फेंक दी कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर आ गया, डाउनलोड किया क्या? क्या क्वेश्चन पेपर आ गया? रुक 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 अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ आ गया क्वेश्चन पेपर। तेरे पास प्रिंटर है ना? हाँ प्रिंटर है मेरे पास। तो फैक्स कर दे यार मुझे। फैक्स करूँ मैं? मैं तेरा बाप लाइट देके गया था तेरे पास। फैक्स करो लाट साहब को, चल बे खुद कर ले। कोई नहीं बेटा अपना टाइम भी आएगा, क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगा। हाँ हाँ देखी जाएगी कौन सा टाइम आएगा। चल फोन रख। ये हुआ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और ये लगा प्रिंट पे। अबे अबे प्रिंटर को भी अभी खराब होना था क्या? Oh, no. यार जुगाड़ की भी बेइज्जती कर दी, अब एग्जाम कैसे करूंगा? क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगा। हाँ व्हाट्सएप से निकाल लेता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड नहीं होता क्या हुआ? ऐसे कर लूंगा। चलो जी ये तो हो गया, बस अपलोड करना बाकी है और टाइम भी बहुत बाकी है। एक काम करता हूँ, जुगाड़ को फोन करता हूँ और कल पाता हूँ उसकी। हेलो भाई जुगाड़, बस नाम का जुगाड़ है। एग्जाम हो गया तेरा? और सारे के सारे क्वेश्चन कर ले तेरे भाई ने, बस अपलोड करना बाकी है। अच्छा भाई यार सुनना। हाँ हाँ बोल। यार तीसरे का आंसर बता दे। सीरियसली शाम को पार्टी ले लियो मेरी तरफ से। पार्टी छोड़, रिया का नंबर देगा तो बता। अरे ले लियो यार आंसर बता दे भाई। अबे अच्छा रुक देता हूँ, रुक जा। अच्छा दो में रुक भेजता हूँ अभी। कौन सा क्वेश्चन है? अबे इतना आसान क्वेश्चन, देखो लोकतंत्र के कारक भी नहीं पता क्या? अबे लोकतंत्र नहीं है संविधान के विशेषक है तीसरा वाला क्वेश्चन। अब देना है तो दे दे यार, बिग बॉस मत खेल मेरे साथ। अबे पागल हो गया क्या यार? पागल हो गया क्या? तीसरे का क्वेश्चन। अच्छा अच्छा रुक मैं देखता हूँ रुक। अबे यही तो है भाई, आठ क्वेश्चन तो है टोटल। आठ? अबे भाई गिलती के तीन क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, कौन सा क्वेश्चन पेपर लेके बैठा है यार तू? भाई यही है ना यार थर्ड सेमेस्टर वाला। थर्ड? भाई फोर्थ सेमेस्टर में है जाहिल। अबे यार जुगाड़ जुगाड़ कुछ कर यार। सुन तुझे फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सेंड करता हूँ, कर ले। भाई आधा घंटा रह रहा भाई, मैं कैसे लिखूंगा? सुन 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 एक काम कर, तूने आंसर लिखा है ना, वो शीट अपनी मुझे भेज दे, मैं उस पर अपना एग्जाम रोल नंबर और नाम लिख के भाई अपलोड कर दूंगा भाई। अच्छा मेरी आंसर शीट तेरा बाप लिख के गया था तेरी माँ? चल फोन रख। बोला था ना अपना टाइम आएगा। हेलो गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो होपफुली भाई आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी जो क्या है ना, इस वीडियो के भी दो सेल और रह रहे हैं,
समझ रहे हो, ये दो सीन और रह रहे हैं। और भाई कसम से बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल काम किया लड़कों ने, दोनों सीन में भी एडिटिंग वगैरह में भी बहुत मज़ा है। इस वाली वीडियो से बहुत मज़ा है इस दोनों सीन में। सो अगर आपको ये दोनों सीन भी देखने हैं तो भाई कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर 100 लाइक करवा दो। 100 लाइक तो बनते ना भाई, 100 लाइक करवा दो। 100 लाइक जैसे हो जाएंगे उसके अगले ही पल, मतलब लिटरली अगले ही पल मैं ये दोनों सीन भी डाल दूंगा और भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब इन दोनों सीन पे बिना जहर काम किया लड़कों ने। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, दिस साइड ऑफिशियल बावास।